मुख्यमंत्री जी नमस्कार के इस अंक में आज हम आपको बताएंगे तीन धर्मों की संगम स्थली रिवालसर की प्राचीन झील के बारे में। आखिर क्यों यह झील अपना अस्तित्व खोती जा रही है और क्यों दिन प्रतिदिन इसका पानी दूषित होता जा रहा है, आइए जानते हैं इस झील में बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में यहाँ की जनता की जुबानी। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सचिन गुप्ता, मैं रिवालसर का स्थायी निवासी हूँ। जो कि झील के बारे में आज के समय में इतनी दूषित हो चुकी है कि जिसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता, और आज तक जितनी भी मछलियां मरती हैं बरसात के दिनों में, उस समय प्रशासन जाग जाता है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति यहां सुध भी नहीं लेते हैं और इतने सैलानी रिवालसर में आते हैं। रिवालसर एक पर्यटक स्थल है, तीन धर्मों का संगम स्थल ही है, जबकि इसकी देख रेख प्रशासन आज तक नहीं कर पाया, और एनजीओ कर रही है तो उसका सहयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। आज के समय इसको देखा जाए तो रिवालसर का जो झील है बहुत ही पूरी पॉल्यूटेड पानी हो चुका है, जो कि पहले आदमी पीने योग्य भी होता है यह झील का पानी, लेकिन अब यह पानी ना पीने योग्य बल्कि नहाने योग्य भी ना के मात्र रह चुका है। हर साल यहाँ लाखों मछलियाँ मर जाती है, जिसका मुख्य कारण झील का पोल्यूटेड वाटर है। यहाँ साइंटिस्ट काफ़ी आए, काफ़ी सर्च किया, लेकिन धरातल पे रिपोर्ट कोई नहीं आई। हमने देखा कि यहाँ की जो बाहर से जो बरसात की पानी की निकासी है पूरी तरह टूट चुकी है, जो कि हर साल बरसात के टाइम यहाँ जो पानी बाहर जाना चाहिए पोल्यूटेड पानी, वो सारा झील के अंदर आता है। नालियाँ पूरी तरह टूट चुकी है। मेरा प्रशासन हिमाचल सरकार से यही आग्रह है कि इस झील के लिए देख रेख के लिए कोई स्पेशल टीम का गठन किया जाए। यदि झील है तो रिवालसर है, यदि झील नहीं है तो रिवालसर भी नहीं। तीन चार धर्मों के जो अनुयायी हैं या मानने वाले हैं, जो सब यहाँ लोग आते हैं, उनके लिए भी बड़ी एक मतलब असुविधा जैसी वाली बात हो जाती है यहाँ की, भी हो क्या रहा है यहाँ, ताकि हम रख रखाव करवा सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो यहाँ थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करके कुछ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से जो सरकार से हमें चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लोग सारे अभी चाह रहे हैं कि भाई इसको हमारी पुरानी धरोहर है ये, इसको हम चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए, लोगों को दिखाया जाए, ताकि लोग आने वाली पीढ़ियाँ जो है, आने वाली जनरेशन जो है, इस चीज़ से थोड़ा अवगत हो भी क्या होना चाहिए यहाँ। देखो रिवालसर की जो झील है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, और उस झील को उसके संरक्षण के लिए और उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसमें हमेशा ही हमारा प्रयास रहता है, विचार चला। इस विषय में एक सर्वप्रथम तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से लगभग 50 लाख रुपए उसकी कैचमेंट एरिया के इम्प्रूवमेंट के लिए और रखरखाव के लिए, जिसमें कि प्रोटेक्शन वर्क्स भी इन्वॉल्व है, ये सब में कुल मिला के 50 लाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से खर्च होंगे। इसका एडवांटेज ये है कि सिल्ट जो उस झील में आती है वो कम हो जाएगी और उसके कैचमेंट एरिया की प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके। अगर रिवालसर झील के मिटते अस्तित्व को बचाना है तो इसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कोई ठोस योजना बनानी होगी और उस योजना पर जल्द से जल्द कार्य भी शुरू करना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि रिवालसर की यह प्राचीन झील सिर्फ इतिहास बनकर रह जाए। डीडी न्यूज शिमला के लिए मणिजला के रिवालसर से वीरेंद्र भारद्वाज।